शेखर सुमन ने एक बहुत बड़ी बात कही है। शेखर सुमन का उस बात पर बयान आया है जिसमें ये कहा गया कि वो जो है इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं या राजनीति लाभ लेना चाह रहे हैं, कोई राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं, उस पर जो है अब शेखर सुमन ने बयान दिया है और साथ ही कहा है कि मेरा परिवार बिल्कुल नहीं चाहता मैं ये करूँ, मेरे दोस्त भी इस बात के अगेंस्ट है, लेकिन मैं इस कॉज पे अड़ा रहूंगा और जो है अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या कहा है शेखर सुमन ने, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। शेखर सुमन ने जो है जस्टिस फॉर सुशांत फोरम ये मंच तैयार किया, उसके बाद जो है पटना गए, पिता से मिले, आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वहीं पर उन्होंने आरजेडी को अनाउंस ज्वाइन करने की अनाउंसमेंट की। परिवार की तरफ से बयान आया कि उन्हें लगता है कि संदीप और शेखर जो है वो पूरा का पूरा जो है इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं और वे इस बात से खफा है, नाराज है। अब शेखर सुमन ने एक बहुत बड़ी बात कही है, वो कह रहे हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ कि राजनीति का जो उन पर लगा है उस पर क्या बोल रहे हैं। आई वुड नीड टू हैव पॉलिटिकल सपोर्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। वो कह रहे हैं मुझे चाहिए ही होगा, नहीं तो मुझे, मैं ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता हूँ, नहीं तो मुझे जो है इग्नोर कर दिया जाएगा या फिर दबा दिया जाएगा, इसलिए मेरे लिए एक पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, कहीं से भी मुझे सपोर्ट आएगा मैं लूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे ये लड़ाई लड़नी है। फिर वो आगे लिखते हैं, मेरा परिवार और दोस्त इस बात के काफ़ी अगेंस्ट है जो मैं कर रहा हूँ, उनको लगता है कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है और मैं अपनी हेल्थ को जो है रिस्क में डाल रहा हूँ इतना ट्रैवल करके, लेकिन अब जो है मैं बिट्रे नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं इस जर्नी पर निकल चुका हूँ। आई कांट बिट्रे माई हार्ट, अब मैं अपने दिल के साथ जो है बिट्रे नहीं कर सकता, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, मैंने अपने दिल से ये बात तय की है, फैंस के लिए तय की है कि मैं न्याय दिलाऊंगा तो दिलाकर रहूंगा और मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा, मुझे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हो या कहीं से भी सपोर्ट आए मैं ज़रूर लूंगा क्योंकि मैं ये लड़ाई जो है अकेले नहीं लड़ सकता, बहुत ज़रूरी है मेरे साथ और लोगों का जुड़ना, नहीं तो मुझे इग्नोर कर दिया जाएगा या दबा दिया जाएगा। तो इस तरह का जो रिएक्शन है शेखर सुमन ने अपने सोशल मीडिया पर डाला है और उसके बाद जो है फैंस उनके लिए लगातार सपोर्ट दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें पता है कि आप गलत नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई लड़िए, भले ही आपको किसी भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों ना हो, आप उस मंच पर जाइए और जो है हमें आपके साथ लड़ना है, आगे चलना है और हमें जो है न्याय चाहिए।